रांची जिला के अनगढ़ा अंचल में राजस्व कर्मचारी की भारी कमी से कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मालूम हो कि अनगढ़ा अंचल में 21 पंचायत एवं 81 राजस्व ग्राम और 9 हल्का है, जिसमें मात्र 2 राजस्व कर्मचारी पदस्थापित हैं। इस वजह से दायित्व व लोगों के कार्य को करने में बाधा उत्पन्न हो रही है और कार्य करने का बोझ बढ़ रहा है। इस समस्या को लेकर सोना न्यूज पत्रकार के द्वारा अनगढ़ा अंचल अधिकारी राजू कमल से पीछे जाने पर बताया कि यहां अंचल कार्यालय अनगढ़ा में वर्तमान में 2 राजस्व कर्मचारी हैं। जब मेरा पदस्थापना हुआ था उस समय 4 कर्मचारी थे, जिसमें सेवानिवृत्त होकर मात्र 2 राजस्व कर्मचारी बचे हैं और 9 हल्का है। एक कर्मचारी को 4-5 हल्का का कार्य करने का बोझ दिनों दिन बढ़ रही है। हम लोग चाहते हुए भी कार्य को सही समय पर नहीं कर पा रहे। इस संबंध में हम लोग जिला उपायुक्त और अपर समाहर्ता को भी रिक्वेस्ट लेटर भेजा है ताकि जितना जल्दी संभव हो सके अनगढ़ा अंचल में राजस्व कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएं। अभी मैं अनगढ़ा प्रखंड के अनगढ़ा अंचल में मौजूद हूं। आइए जानते हैं कि यहां 9 अनगढ़ा अंचल में 81 गांव और 21 पंचायत के साथ 9 हल्का है और अंचल में 2 ही राजस्व कर्मचारी मौजूद हैं, कार्यरत हैं। सर से जानना चाहते हैं कि सर क्या समस्या हो रही है अभी जो कानून में, सर इसमें आपको कर्मचारी की जरूरत पड़ रहा है, आवश्यकता है, क्या सरकार से आप लोग इसके विषय में मांग किए हैं? सर अंचल अनगढ़ा में प्रायः अंचल का बहुधा ही काम होता है और प्रायः दिन आपने देखा होगा कि यहाँ ग्रामीणों की भीड़ होती है। जब मैंने यहाँ पे पदस्थापन मेरी हुई थी उसमें 4 कर्मचारी यहाँ पे मौजूद थे। मेरे आने के बाद अंचल अमीन, सरकारी अंचल अमीन सेवानिवृत्त हो गए। एक कर्मचारी थी सरोज तिर्की, वो भी सेवानिवृत्त हो गई। अभी के समय में मात्र 2 कर्मचारी बचे हैं और काम, चूंकि सरकार का भी काम बहुत सारे सरकारी योजनाओं के लिए जमीन देनी होती है, उसके लिए जांच करनी होती है, ग्रामीणों की अपनी समस्या होती है, प्लॉट सुधार, म्यूटेशन, बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो कि सभी हल्का में अगर कर्मचारी मौजूद ना हो तो बहुत परेशानियां होती हैं और हम लोग भी देख रहे हैं। काम का बोझ तो बढ़ा हुआ है ही और एक ही कर्मचारी पे बोझ हो जाने से वो भी ससमय काम नहीं कर पाता है। इसके लिए हम लोगों ने जिला उपायुक्त महोदय से भी और अपर समाहर्ता हमारे हैं उनसे भी बारंबार हम लोगों ने 4 बार रिक्वेस्ट लेटर यहाँ से भेजा है ताकि कर्मी जो भी हो जल्द उपलब्ध कराई जाए। अभी जो भी समस्या लोगों की फंसी हुई है या बाधित है उसको ससमय हम लोग कम्प्लीट कर पाए और सरकार की जो योजनाओं के लिए जमीन चिन्हित करना होता है या फिर देना होता है उसको भी ससमय हम लोग दे पाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और प्रायः जो भी आवेदन आ रहा है उसको हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन कर्मियों की किल्लत के कारण थोड़ी परेशानी हो रही है। सर ये 9 हल्का में 2 कर्मचारी अभी कार्यरत हैं तो कार्य तो बड़ी बोझ होगा सर, कैसे इसको निपटारा किया जा रहा है? वही है, आपने बताया कि जैसे 4-5 हल्के का काम एक व्यक्ति को करना पड़ेगा तो थोड़ी सी समस्या होगी और काम बाधित होता ही है। ससमय नहीं होने से ग्रामीण भी क्षुब्ध होते हैं और निराश होते हैं। उसके लिए हम लोगों ने जिला से मांग तो किया है और लोग जो भी आते हैं उग्र होकर उन्हें समझा बुझा कर भेजा जाता है और काम की गति हम लोग करने के बावजूद भी पेंडिंग हो ही जा रहा है काम। तो हम लोग अनुरोध करेंगे जिला से पुनः कि जल्दी हम लोगों को मिल जाए कर्मी।